दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असेसमेंट ईयर 2024-25 के अंदर कितनी इनकम के ऊपर कितना टैक्स लगता है, नए स्लैब रेट क्या हैं, कितने पैसे पे कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा। देखिए, गवर्नमेंट ने बजट के अंदर इनकम टैक्स के जो स्लैब रेट है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है। बजट आ गया है, उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है 7 लाख रुपये तक की इनकम के ऊपर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अगर आप जो स्लैब रेट देखेंगे, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप ओल्ड टैक्स रिजिम देख सकते हैं या फिर न्यू टैक्स रिजिम में जा सकते हैं। जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, यहाँ पे आप दोनों तरीके से देखेंगे, जो आपके लिए बेटर ऑप्शन आता है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आपको काफ़ी सारी एग्जेम्पशन और डिडक्शन नहीं मिलती है। वहीं अगर आप यहाँ पे देखेंगे ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर आपको 2.5 लाख रुपये तक गवर्नमेंट बोलती है कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वैसे गवर्नमेंट बोलती है 7 लाख रुपए तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री है। तो जिसकी भी इनकम अगर आपकी 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है ना, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है। भले ही आपकी इनकम 3 लाख रुपए है लेकिन आपके ऊपर टैक्स 0 रुपए बनेगा, लेकिन आपको ITR फाइल करना कंपलसरी होता है। तो आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो ITR फाइल कर लीजिएगा। उसके अलावा इनकम 7 लाख रुपए तक होगी ना आपकी और आप न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपका टैक्स भले ही 0 आ जाएगा। तो चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए, 2.5 लाख रुपए तक आपका निल है, उसके बाद में 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक आपका 5% का टैक्स लगने वाला है। ये ओल्ड टैक्स रिजिम की अपन बात कर रहे हैं, न्यू टैक्स रिजिम भी अपन देखेंगे, ये देख सकते हैं आप, इसकी भी अपन बात करेंगे। वहीं अगर आप 5 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं तो आपके ऊपर 20% का टैक्स लगने वाला है, 10 लाख रुपए से ऊपर 30% का टैक्स लगता है। अब ये टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है आइए समझते हैं। अगर आप 3 लाख रुपए कमा रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए, तो 3 लाख पे आपके 5% टैक्स लगेगा। काफ़ी लोगों को लगता है कि 15,000 रुपये टैक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 3 लाख रुपए अगर आप कमा रहे हैं तो देखिए 2.5 लाख तक तो 0 है, उसके बाद में जो अगले 50,000 रुपये है ना, उसके ऊपर ही आपका जो 5% का टैक्स लगता है। तो यहाँ पर आपका जो टैक्स हो जाएगा वो होएगा केवल 2500 रुपये का। वहीं 2500 रुपये आपको पे नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आ जाता है एक सेक्शन, आप ये देखेंगे सेक्शन आ जाता है 87A, जो कि आपको रिबेट मिल जाती है। अगर आपकी इनकम जो है ना 5 लाख रुपए के नीचे है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको 12,500 रुपए तक की रिबेट मिल जाती है। अब देखिए, 12,500 रुपए तक का अगर आपका टैक्स होएगा ना, तो आपको वो कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। तो अपना कितना है, कम है, तो ये 0 हो जाएगा। वहीं अगर आप 5 लाख रुपए भी डाल के देखेंगे ना, तो 5 लाख रुपए पे आप कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 2.5 लाख तक तो 0 हो गया, उसके अगले 2.5 लाख पे कितना हो गया, 5%, जो हो जाता है 12,500 रुपए। तो कम्प्लीटली ये 12,500 आपको रिबेट मिल जाएगी सेक्शन 87A के अंदर, तो आपका टैक्स हो जाएगा 0 रुपीज़। इस तरह से कैलकुलेशन की जाती है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे, बोलने में तो आ रहा है कि 2.5 लाख तक निल है, लेकिन आपका जो टैक्स है वो 5 लाख रुपए तक 0 हो गया। वहीं अगर आप 6 लाख रुपए कमाते हैं तो देखिए आपका कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा। 6 लाख में क्या है, 5 लाख से ऊपर कितना है, 1 लाख, तो 1 लाख पे आपका कितना लगेगा, 20%। और 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना लगेगा, 5%, जो कि अभी अपन ने देखा था 12,500 रुपये था। तो 12,500 तो ये हो गया, और 1 लाख पे 20% हो जाएगा 20,000 रुपये। तो टोटल कितना हो गया, 20 और 12, यानी कि हो गया आपका जो 32,500 रुपये का टैक्स बनेगा आपका 6 लाख रुपए की इनकम के ऊपर। अब यहाँ पर आपको जो रिबेट नहीं मिलेगी, रिबेट कब मिलती है, जब आपकी इनकम 5 लाख रुपए के नीचे है तब ही आपको रिबेट मिलेगी। 5 लाख रुपए से ऊपर इनकम जैसे ही हो जाती है आपकी, आपको रिबेट नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये रूल होता है। अब आपकी इनकम थी 4 लाख रुपए, तो देखिए आपको 4 लाख पे रिबेट मिल जाएगी, क्योंकि आपका जो टैक्स है वो 12,500 के नीचे रहने वाला है। 12,500 से ऊपर जैसे ही टैक्स बनता है तो ना तो आपको रिबेट मिलती है, ना आपको 5 लाख रुपए की लिमिट देखी जाती है, फिर आपका पूरा टैक्स कैलकुलेट होता है। इस तरह से आप यहाँ पर एग्जाम्पल लेके देखेंगे। एक अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं 11 लाख रुपए का। अब देखिए, अगर आपकी इनकम 11 लाख रुपए है तो देखिए 11 लाख पे कितना टैक्स बनेगा, 10 लाख से ऊपर कितना है, 1 लाख, 1 लाख पे कितना बनेगा, 30%, जो कि हो जाता है 30,000 रुपये। ये तो हो गया 30,000। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक आपका कितना था, 20%, यानी कि ये 5 लाख जो है, ये देखिए 1 लाख तो ये हो गया, स्टार्टिंग के 2.5 लाख पे आपका कोई भी टैक्स नहीं है। यहाँ पर आपका 12,500 टैक्स हुआ, जो अपन ने स्टार्टिंग में देख लिया था, ये कितना है, 5 लाख रुपये। अब 5 लाख रुपये पे 20% कितना हो जाता है, 1 लाख रुपये। तो यहाँ पर आपका 1 लाख रुपये टैक्स बन गया, यहाँ पर आपका 30,000 रुपये जो बन गया वो बना 10 लाख से ऊपर की इनकम पे, और जो मिनिमम आपका ये 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक आपका था 12,500, ये आपका बन गया 12,500। तो इन सबको आप जोड़ लेंगे, इतना आपका टैक्स बनेगा, 1,42,500 रुपये, ये आपका टैक्स बन गया। क्या यही पूरा फाइनल टैक्स है? नहीं, इसके ऊपर भी आपका क्या लगता है,
4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। तो इस टैक्स के ऊपर ये जो अब अमाउंट आया ना, इस अमाउंट के ऊपर 4% कैलकुलेट होगा। तो इसका 4% आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1425 इंटू 4 करके आप करेंगे, लगभग आपका 6000 के आसपास अमाउंट आएगा। तो वो आप इसमें ऐड कर देंगे, वो होएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, उतना अमाउंट वो टैक्स आपका फाइनल बनता है। अब देखिए ये जो अपन ने अभी एग्जांपल देखे काफ़ी सारे, जो अपन ने 2.5 लाख की एग्जांपल लिया, अपन ने 6 लाख का एग्जांपल लिया, अपन ने 11 लाख का एग्जांपल लिया, ये था आपका नेट टैक्सेबल इनकम के ऊपर, यानी कि आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है ना उसके ऊपर अपन ने कैलकुलेट किया। आपकी जो ग्रोस टैक्सेबल इनकम, आप जितना पूरा पैसा कमाते हैं ना उसमें से आपको डिडक्शंस भी मिल जाती है। डिडक्शन क्या होती है, अब देखिए आपने कहीं पीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया तो आपको सेक्शन 80C की डिडक्शन मिल जाती है। आपने मेडिकल इंश्योरेंस का कोई प्रीमियम पे किया है पूरे साल में तो उसकी आपको 80D के अंदर डिडक्शन मिल जाती है। ऐसे काफी सारे आपको डिडक्शन मिलते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपको 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाती है। तो वो ग्रोस सैलरी में से आपकी माइनस करने के बाद में, सारी डिडक्शंस हटाने के बाद में जो अमाउंट आया ना उसके ऊपर ये टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। अब देखिए बात कर लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम की। अभी अपन ने बात करी ओल्ड की, ओल्ड के अंदर आपको पता चल गया कितनी इनकम पे कितना टैक्स कैलकुलेट हो रहा था। न्यू के अंदर क्या डिफरेंस है, यहां पे आप देखेंगे टैक्स रेट जो है वो थोड़े से कम हो गए हैं। उसके साथ आपको क्या है, जो एग्जेम्पशन डिडक्शन मिल रही थी वो डिडक्शन एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। यानी कि आप जो पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने कोई टैक्स सेवर एफडी कर रखी है, कोई ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में डाल रखा है, होम लोन ले रखा है, उसके आपको वगैरह काफ़ी सारी डिडक्शन जो आपको मिलती है वो यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ केवल आपको बहुत ही सेलेक्टेड डिडक्शन मिलती है, जैसे कि सैलरीड एम्प्लॉई को जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है 50,000 रुपये की, जो आपको ओल्ड में भी मिलती थी। उसके अलावा यहाँ पर अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है और वो होम लोन की जो प्रॉपर्टी है उसको आपने किराए पर दे रखा है तो वहां पर आपको जो होम लोन का इंटरेस्ट पेमेंट होता है ना उसकी डिडक्शन यहां पे आपको मिल जाएगी। अगर आपने वो प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी है उसी कंडीशन में, यानी कि लेट आउट होनी चाहिए वो प्रॉपर्टी, उसके अलावा आपको यहां पर डिडक्शन नहीं मिलती है तो अपन उसको एक बार इग्नोर करते हैं। अब देखिए यहां पर कैलकुलेशन कैसे होगी, 3 लाख रुपए तक आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब बात कर रहे हैं अपन न्यू की, तो न्यू में अब देखिए 6 लाख रुपए तक आपका जो है 5% लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है कि 7 लाख रुपए तक आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा, आइए उसको भी समझते हैं। लेट से अपन ने एग्जांपल लिया 7 लाख रुपए आपकी इनकम है, तो 7 लाख में आप देखेंगे आप यहाँ पर तो आपका 0 हो गया, उसके बाद अगले 3 लाख पे आपका 5% जो कि हो जाता है 15,000 रुपए, और उसके बाद में 6 लाख से ऊपर कितना है, 7 लाख तक 1 लाख, तो 1 लाख पे कितना लगेगा 10%, कितना हो गया 10,000 रुपए। तो आपका टोटल टैक्स कितना बना 25,000 रुपए। तो यहाँ पर अभी अपन ने रिबेट देखी थी ना पिछले वाले केस में, उधर कितनी थी रिबेट, उधर मैक्सिमम थी 12,500 की रिबेट, और वो कब थी 5 लाख रुपए तक की इनकम पे थी। यहाँ पर क्या है, वही जो 12,500 है उसको 25,000 कर दिया गया है, 25,000 रुपए है, और ये जो 5 लाख है इसको कर दिया है 7 लाख रुपए। तो यानी कि 7 लाख रुपए तक आपका जो है वो 0 टैक्स बनेगा, आपको सेक्शन 87A के अंदर जो रिबेट मिलेगी वो मिलेगी 25,000 रुपए तक की। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी। देखिए न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अप टू 7,25,000 रिबेट, और इसके ऊपर कोई भी सेस भी नहीं लगता है। जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको बताया था ना 4%, वो यहाँ पर नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा, जब आपका 0 टैक्स बन रहा है। उसके अलावा अब देखेंगे, अब अपन एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर 10 लाख रुपए की एग्जांपल लेते हैं। देखिए आप इनकम मानेंगे 10 लाख, तो यहाँ पर कितना बनेगा, 10 में से 3 गए 0, यहाँ पर 3 से 6 पे कितना था 15,000 रुपए। 15,000 कैसे आया समझ में आ गया आपको, ये कितना है 3 लाख रुपए, तो 3 लाख पे 5% आप कैलकुलेट करेंगे तो 15,000 होता है। उसके बाद में अगला कितना है 3 लाख रुपए, 3 लाख पे 10% कितना हो जाएगा, ये अगला ये हो जाएगा 30,000 रुपए। और अपन ने कहाँ तक एग्जांपल लेना है 10 लाख तक, तो 9 से 10 कितना जाएगा 1 लाख, तो 1 लाख पे कितना आ जाएगा 15%, ये 15,000 रुपए आ जाएगा। तो टोटल आपका कितना बन गया, आप देख सकते हैं 60,000 रुपए का आपका टैक्स बनेगा अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए होती है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आपकी यही इनकम 10 लाख होती ना तो वहाँ पर आपको क्या है, ज़्यादा टैक्स बनता, क्योंकि यहाँ पर आपको डिडक्शन एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अगर आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर लेट से 10 लाख रुपए इनकम थी तो आप क्या कर सकते हैं, पीपीएफ में इन्वेस्ट कर देंगे, 1.5 लाख रुपये आपको वहाँ से बेनिफिट मिल जाएगा। उसके अलावा भी आप मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह काफ़ी सारे जो बेनिफिट लेके आपकी इनकम ही जो है वो कम हो जाएगी, तो यहाँ पे 8.5 लाख रुपए हो जाएगी, 1.5 लाख अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं पीपीएफ या फिर सेक्शन 80C के अंदर। उसके अलावा आप देखेंगे तो ये कम होता जाएगा ओल्ड के अंदर, लेकिन न्यू में आप इसको कम
कर ही नहीं सकते हैं, तो आपका 60,000 रुपये टैक्स बनेगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन यहाँ पर, आइए 16 लाख का एक एग्जांपल देख लेते हैं। 16 लाख में ये 15 लाख से 16 कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो इस 1 लाख पे कितना टैक्स बनेगा, 30%। 12 से 15 पे 3 लाख है, इस पे 20% बनेगा। ये भी 3 लाख है, इस पे 15% बनेगा। ये भी 3 लाख है, इस पे 10% बनेगा। ये भी 3 लाख है, इस पे 5% बनेगा। तो यहाँ पर आपका 0 है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये 15,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा 45,000, और ये हो जाएगा आपका 60,000, और ये वाला 1 लाख है, तो यहाँ पर वापस से आपका 30,000 हो जाएगा। तो आप टोटल कर लेंगे यहाँ पर 5, 5, 10, 1, 0, तो आप इसको टोटल कर लेंगे, यहाँ पर आपका टोटल 1,80,000 का टैक्स बनेगा 16 लाख रुपये की इनकम के ऊपर। यानी कि अगर आप 16 लाख रुपये कमा रहे हैं ना, तो आपका टैक्स बनेगा 1,80,000। इसमें आपको क्या करना है, 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड कर लेना है, जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया था। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7,200 रुपये आपका और जुड़ जाएगा। यानी कि 1,87,200 रुपये का आपका जो है टैक्स बनेगा, अगर आप 16 लाख रुपए भारत के अंदर कमा रहे हैं। काफ़ी लोगों को क्या लगता है कि 15 लाख से ज़्यादा कमाने पे 30% का टैक्स लगेगा, यानी वो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते, तो ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट 30% नहीं लगेगा, अलग अलग आपका पार्ट्स में डिवाइड होके इनकम कैलकुलेट की जाती है। अब देखिए आपको क्या बताया, एक ओल्ड टैक्स रिजिम बता दी, एक न्यू टैक्स रिजिम बता दी। ओल्ड के अंदर क्या था, आपको ओल्ड के अंदर सीनियर सिटीजन जो होते हैं ना, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, न्यू के अंदर नहीं मिलता है। न्यू सभी के लिए सेम है, कितनी भी एज हो आपकी। ओल्ड के अंदर आपकी एज अगर 60 तक है ना, तो अभी अपन ने जो स्लैब रेट शुरू में बात करी थी, वो केवल ओल्ड के थे, 60 तक के थे। 60 से 80 वालों के स्लैब रेट ये है, और 80 से भी ऊपर है ना अगर आपकी उम्र, सुपर सीनियर सिटीजन, तो उनके स्लैब रेट ये देख सकते हैं। उनको 5 लाख तक वैसे ही कोई टैक्स नहीं लगता है। 5 लाख से 10 लाख पे फ्लैट 20% है, 10 लाख से ऊपर फ्लैट 30% है। सीनियर सिटीजन की बात और सुपर सीनियर सिटीजन की बात अपन इस वीडियो में डिटेल में नहीं करेंगे, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। उसके अलावा आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की भी बात बता दी। अब देखिए अगर आपकी इनकम जो है वो 50 लाख रुपए से भी ज़्यादा की हो जाती है, तो उसके ऊपर आपका जो है सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाता है। अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है साल भर में, यानी कि अप्रैल टू मार्च का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, उस पर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, तो आपके ऊपर सरचार्ज लगेगा। अब ये सरचार्ज किस पे लगेगा, ये इनकम टैक्स के ऊपर लगेगा। अगर आपकी इनकम मान लेते हैं अपन 60 लाख रुपए है, तो 60 लाख रुपए पे आपका जो टैक्स बनेगा ना, जो भी टैक्स बनता है, लेट्स से अपन मान लेते हैं ये अपना टैक्स बना 15 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए आपका टैक्स बना, तो इसमें आपका 10% का सरचार्ज और जुड़ जाएगा। कितना जुड़ेगा, यानी कि 1.5 लाख रुपए आपका जो सरचार्ज, वो भी जुड़ जाएगा 15 लाख के ऊपर। तो ये आपका जो टोटल टैक्स हो जाएगा, वो हो जाएगा 16.5 लाख रुपए, इतना हो जाएगा। ये आपका 10% सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ अगर आप कमाते हैं, तो 15% का सरचार्ज लगता है। उसके ऊपर आप देख सकते हैं 25 और 37% तक का सरचार्ज इंडिया के अंदर लगता है, अगर आप 5 करोड़ से भी ज़्यादा कमाते हैं। ये देखिए 30% तो आपका टैक्स हो गया मैक्सिमम, उसके ऊपर 37% का आपका सरचार्ज भी लग जाता है। ये जो 37% है, ये टैक्स के ऊपर ही लगता है, तो आप कैलकुलेट खुद से भी कर सकते हैं। हमको नहीं लगता है, काफ़ी हमारी ऑडियंस ऐसी होगी जो ये देखने में इंटरेस्टेड है। तो उम्मीद करते हैं आपको टैक्स कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा, और आपको एक्सेल कैलकुलेटर चाहिए, हमने एक एक्सेल कैलकुलेटर बना रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे क्या है, आपको केवल अपना अमाउंट डालना है, वो अमाउंट डालने से ही आपको पता चल जाएगा आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहिए या फिर न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहिए। दोनों के आपको डिफरेंट टैक्स अमाउंट आ जाएंगे। यानी कि अगर आप इंडिया में रह के 12 लाख रुपये कमाते हैं, लेट्स से, तो आपको 12 लाख रुपए डालना है केवल, आपको पता चल जाएगा आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो सकता है, ओल्ड टैक्स रिजिम या फिर न्यू टैक्स रिजिम। डिडक्शंस के भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको डिडक्शन एग्जेम्पशन डालनी है तो वो आप खुद से डाल के चेक कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे आपको एक्सेल का कैलकुलेटर मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।